नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव अब बिहार के जिलों में निकलेंगे, यात्रा करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था कि 15 अगस्त के बाद वो बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, कई जिलों में जाएंगे, सभी जिलों में जाएंगे और वहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे, वहाँ के आम लोगों से मिलेंगे। अब उसका जो रूपरेखा है वो बनकर तैयार हो चुका है। हम आपको पक्की खबर बता रहे हैं, 10 सितंबर से, तारीख नोट कर लीजिए, 10 सितंबर से तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। और सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी, किन किन जिलों में जाएंगे, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, कल 1 सितंबर है, कल पूरे बिहार में आरजेडी के नेताओं द्वारा धरना दिया जाएगा, पूरे बिहार के नेताओं द्वारा। खुद तेजस्वी यादव भी पटना के आरजेडी कार्यालय आएंगे और धरने पर बैठेंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार आरक्षण के खिलाफ है, ये बातें कल भी तेजस्वी यादव ने कही हैं। सरकार की ये मंशा नहीं दिख रही है कि आरक्षण का दायरा जिस तरह से बिहार में बढ़ाया गया था, उसके बाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, आरजेडी भी सुप्रीम कोर्ट गई है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, जिलों में जाएंगे और बड़ी बात, वे सर्किट हाउस में ही रुकेंगे, ऐसी तैयारी की गई है। यानी कि आम लोग वहाँ आएंगे, मिलेंगे, जो ज़िले के लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो मिल सकते हैं। तेजस्वी यादव आम लोगों से मिलेंगे। समस्तीपुर ज़िले से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, आगे वो दरभंगा जाएंगे, मधुबनी जाएंगे। यानी कि तेजस्वी यादव जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो जन्मस्थली रही है, वहाँ से वो अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर का समस्तीपुर से क्या रिश्ता रहा है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने पूरी तैयारी कर ली है, 10 सितंबर से उनकी यात्रा शुरू होनी है। उनके सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बातचीत हो चुकी है और अभी घोषणा नहीं हुई है, इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आपको हम पक्की खबर बता रहे हैं। तेजस्वी यादव 10 सितंबर से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं, समस्तीपुर ज़िले से इसकी शुरुआत होगी, फिर आगे वो दरभंगा, मधुबनी ज़िले में भी जाएंगे और बिहार के लगभग लगभग सभी ज़िलों में तेजस्वी यादव की यात्रा होगी। कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे तेजस्वी यादव, इस बात की पूरी तैयारी कर ली गई है, रूपरेखा जो है वो बनकर तैयार किया जा चुका है, रूपरेखा इसकी तैयार हो चुकी है। और तेजस्वी यादव देखिए, कल भी वो धरने में बैठेंगे, कल तारीख है 1 सितंबर, कल वो धरने में बैठेंगे, इस बात की पहली घोषणा कर दी है उन्होंने। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जो 9वीं अनुसूची में डालने की बात हो रही है, 9th शेड्यूल कास्ट में उसे डालने की बात हो रही है, तो फिर केंद्र सरकार क्यों चुप है, केंद्र सरकार क्यों उस पर जवाब नहीं दे रही है। कई बार केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं जेडीयू पार्टी, जो कि एनडीए का घटक दल है बिहार में, जेडीयू हो या लोजपा रामविलास हो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, ये सभी पार्टियां जो हैं वो एनडीए के घटक दल हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कई सारे केंद्रीय मंत्री हैं, ललन सिंह हैं, रामनाथ ठाकुर हैं, इसके अलावा जितना मांझी हैं, सही तमाम जितने नेता हैं, वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि 9वीं सूची में डालने की बात। तो इसे लेकर वो धरना देंगे, इसे लेकर वो जितनी तैयारी है वो कर रहे हैं। और अब जब यात्रा की शुरुआत भी होनी है, तो ये पक्की खबर है, ये बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, तारीख हमने बता दिया आपको, ज़िलों की बात हमने आपको बता दी है। देखना ये है इस कार्यकर्ताओं के संवाद में कितना भीड़ उमड़ता है ज़िलों में, ये भी देखना होगा, क्योंकि सभी नेताओं ने इसकी पुरजोर तैयारी कर रखी है। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने अपने कई विधायकों के साथ मीटिंग की है और ये पक्की खबर हम आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव अब एग्रेशन मोड में है, क्योंकि इस साल झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसे लेकर अब पूरी तैयारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ताकि हर ज़िले में वो जाएँ, ज़िलों में उनका संपर्क बने, जो वहाँ के आम लोग कह रहे हैं उसे वो सुने, समझें क्या असल में मुद्दे हैं, उन मुद्दों को और उठाएँ, ये पूरी तैयारी है। तो विपक्ष पूरी तरह से मजबूती की तैयारी में है, अगले साल चुनाव से पहले ही, इस साल ही तेजस्वी यादव ने जो कमर कस ली है, तैयारी कैसी है हमने आपको बताई है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।